ओके गाइस, आज का टॉपिक है कैरेक्टर अनरैप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कैसे अनरैप करते हैं कैरेक्टर को। कैरेक्टर को अनरैप करने के लिए पहला काम चेकर्स। ठीक है, नेट से सर्च करो चेकर, इमेजेस जो भी होगा सेव करो। ठीक है, कलरफुल चेकर्स लेने का मैं आपको एक यूज़ बताने वाला हूँ, बेनिफिट क्या है इसका। ओके, जैसे मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल को मैं अनरैप करने वाला हूँ। किस टाइप से अनरैप कर सकते हैं, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करता हूँ, कैसे काम करने वाले हैं। सारे पॉलीगन्स को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, देखो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे एक ऑप्शन है इग्नोर बैक फेस, इसको ऑफ कर देना। यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे सारे फेसेस। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैपिंग को हम लोग चेंज कर देते हैं, लाइक फ्लैटन मैपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मैथड है, छोटे छोटे मैथड, लाइक अगर मुझे कोई भी इस टाइप का जो मॉडल है, मुझे अनरैपिंग और टेक्सचरिंग नहीं करना, लाइक मुझे कम टाइम में काम करना है, तो मैं ये मैथड यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन इसकी टेक्सचरिंग फोटोशॉप में नहीं हो सकती, इसकी टेक्सचरिंग होगी मडबॉक्स में या जीवीएस में। मैं इस टाइप के मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास नॉन मैपिंग है, नॉन मैपिंग एक अलग पार्ट है। इस टाइप से भी आपका मॉडल अनरैप हो सकता है, लेकिन इसका भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक मैं आपको तीनों मेथड बता रहा हूँ, अनफोल्ड में किस टाइप से काम करने वाला है। ठीक है, चीज़ें किस टाइप से वर्क करेंगी, पूरा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, ऐसा भी कुछ आ गया, लाइक इस टाइप की यूज वर्क नहीं करती। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, हमें करना है इसे प्रॉपर अनरैप। तो लाइक मैंने सिंपल प्लानर कर दिया, सारी यूवीज को ख़राब कर दिया। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को अनरैप करना। तो चीज़ों को अनरैप करने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या है, डिफ्यूज पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिट मैप चेकर्स है, चेकर्स को कॉल कर लो आप यहाँ पे। ओके, राइट क्लिक टॉप लेवल, मैंने एक मटेरियल असाइन कर दिया यहाँ पे, ऑल्ट क्यू एफ फोर फ्रंट एंड जेड। जैसे हम लोग मॉडलिंग करते हैं, वैसे हमें टेक्सचरिंग भी करना होता है। मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हाफ मॉडल के और हाफ सिमेट्री लगा देते हैं। सेम हेयर यहाँ पे आपको टेक्सचर भी ऐसे कुछ करना है कि टेक्सचर में किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल आप इसे हाफ कर सकते हो। ठीक है, हाफ कैसे करना है और लाइक शेप्स को कैसे आप मैनेज करने वाले, तो एडिट वाले पे चलते पहले, यस एंड होल्ड। ठीक है, एलिमेंट चेक करते हैं कितना मेरे पास वन ऑब्जेक्ट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट हाफ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्रॉस चेक कर लेना कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना छूट जाए। ठीक है, फेस को मैं जाता हूँ, फेस को मैं अलग वे में मैं डील करने वाला, तो मैं यहाँ पे फेस को छोड़ने वाला हूँ, फेस को मैं अलग से डील करूँगा। तो लाइक यहाँ से मैंने इतने पार्ट को मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, परसेक्टिव एंड जेड, ठीक है, आप ऐसे डील कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे कुछ कुछ चीज़ छूट गया ना, ऐसा कुछ नहीं छूटना चाहिए, तो आप थोड़ा सा सिलेक्शन थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल में काम कर लेना आप यहाँ पे। सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इतना पार्ट लिया मैंने, इतने पार्ट को मैंने कर दिया डिलीट, एफ फॉर फ्रंट। ठीक है, इवन मैं चाहता हूँ फेस को मैं अलग कर लूँ यहाँ पे, तो सिलेक्ट करते हैं फेस। ठीक है, चीज़ को पहले डिटैच करना आपको आना चाहिए, परस्पेक्टिव। ठीक है, ओके, पेशेंस से काम करना, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें एकदम से सब चीज़ों को फुलफिल करना है। अगर लगता है कि मुझे डील करना है, तो मैं ऐसे भी डील कर सकता हूँ, तो आराम से चीज़ को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, जस्ट कंट्रोल क्लिक करके। मेरे पास जो जितना एरिया फेस का है, उसे मैं डील कर रहा हूँ पे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और ऑलमोस्ट डन। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या काम करना है, सिलेक्ट एंड डिटैच, एज यू नो डिटैच। ठीक है, फेस बॉडी बात है, फ्रंट पे गए। ठीक है, मुझे अब इस पर लाइक चेकर्स अप्लाई करना है, मैं आपको चेकर्स अप्लाई करके देता हूँ, डिफ्यूज देन चेकर्स। बाय डिफॉल्ट चेकर्स आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, लाइक 10 टैप 10 अप्लाई कर दो आप यहाँ पे, विजुअल होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, एंड देन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सो सेट इन मटेरियल इन व्यूपोर्ट। ओके, यहाँ पे यूज़ कुछ इस टाइप से। ठीक है,
मुझे यहाँ पे यूवीज को सही करना है, तब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को मैं वन बाई वन करके डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लाइक मेरे पास कुछ मेथड है, जैसे कि क्विक पील भी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे कि चीज़ों को किस टाइप से हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन में आपके यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, देखो यहाँ पे पील के अंदर कुछ मेथड है, इनके पहले यूवीज़ को मैं सही करता हूँ। यहाँ पे मैं जो यूवीज़ है ना, इन यूवीज़ को प्रॉपर इग्नोर बैक फेस के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, यहाँ पे सब सिलेक्ट है, यूवीज़ को ब्रेक करो। लाइक यहाँ पे कोई भी यूवीज़ ना सही नहीं होना चाहिए, प्लान करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइक यूवीज़ ख़राब हो गई, यूजली जब आप मॉडल करते हो तो आपके यूवीज़ ऐसे ही होते, कुछ प्रॉपर अनरैप नहीं होते, ठीक है। अब मुझे डील करना है, तो मैं कैसे डील करने वाला हूँ, मैं चीज़ों को डिवाइड करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे एडिट सीम है, यहाँ पे दूसरा पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सीम सिलेक्शन, ठीक है। तो उसे चेकर्स मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रेस एम, मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्लिक क्लिक परस्पेक्टिव, ठीक है, क्लिक, ठीक है। ये आपका पूरा पार्ट हो गया, आपको ब्लू सी लाइन दिखने लगी यहाँ पे, ठीक है। ये एक सीम हो गया, मैं एक काम यहाँ पे भी करना चाहता हूँ। लाइक एक ऑप्शन मेरे पास ऐसा सिलेक्शन का, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, अगर मैं एजेस पे चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक एजेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, लूप का ऑप्शन आपको पता होगा शायद, लूप, ठीक है, लूप कर सकते हो। दूसरा पार्ट क्या है, कन्वर्ट एज सिलेक्शन टू सीम, लाइक मैंने इस एज को सीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यूज़ में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक काम करते हैं, पॉलीगन को, एक पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, सिंपल एक पॉलीगन जो बीच में हमने कट किया है, किसी एक पॉलीगन को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सपेंड पॉलीगन सिलेक्शन टू सीम, मतलब जो भी पॉलीगन सिलेक्ट किया है, जितने सीम के बीच में जितना भी पार्ट है वो सब अपने आप सेलेक्ट करेगा, हमें मैनुअल डील करने की नीड नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास क्विक पील, क्विक पील में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन देखें, यहाँ पे सेव किया, एकदम ओपन हो रहा है। अब इस मॉडल को मुझे अनरैप करने के लिए, लाइक सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर कैंची से कट करूँ तो मुझे सीम कहाँ बनाना है, दो, एक ऊपर एक नीचे, एक बीच में बनाना पड़ेगा, तो एक बीच के लिए भी हमें एक सीम रेडी करना पड़ेगा। तो सीम हम लोग कैसे रेडी कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक देखो सपोज मैंने एक लूप ले लिया यहाँ पे, ओके, लूप ले रहे हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि लूप का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो अंदर की तरफ से हो, ठीक है। लाइक एफ फॉर फ्रंट, मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है, मैं इतना डिसलेक्ट करता हूँ, आगे चल के नीड होगी तो मैं ऐड ऑन कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। एफ थ्री, जहाँ पे नीड है उतना तक ही मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, बस ये ध्यान देख के काम करना कि कोई दो साइज ना सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, एस सिलेक्शन टू सीम, ठीक है, सेम चीज़, एक पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास पहले से सिलेक्टेड था, पूरा सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, क्विक पील, ये आपका मॉडल अनरैप हो गया, ये आपका सबसे बड़ा शॉर्टकट है, इससे जल्दी कोई मॉडल अनरैप नहीं कर सकता, और बहुत ईजी में, लाइक आपको मैं यहाँ पर दिखाया था चेकर्स में, सिंपल सा पार्ट असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे चेकर्स सही आ रहे हैं, यहाँ पे यूवीज को टर्न करके देखो, यहाँ पे यूवीज़ को रोटेट करके देखो तो देन आपकी चीज़ें फुलफिल होंगी यहाँ पे, ठीक है। एक और ऑप्शन, लाइक मैंने कहा मैंने कलरफुल चेकर्स क्यों लिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया यहाँ पे, लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे देखो मिरर, ठीक है, मुझे पता चला क्या यूवी सीधा है उल्टा, चेक करते हैं, असाइन करते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे यूवीज उल्टा नज़र आ रहा है, नंबर उल्टे हैं यहाँ पे, इट मीन्स कि यार हमें जब भी कोई काम करना है तो ऐसे चेकर्स को यूज़ करना ताकि हमें पता चले कि यार यूवी सीधा है या उल्टा है, हम कंफर्म कर सकें यहाँ पे, लाइक मिरर का यूज़ करके मैं देख सकूँ यहाँ पे, इसीलिए हम लोग कलरफुल चेकर्स यूज़ करते हैं। आप लोग भी ध्यान रखना कि कभी भी टेस्ट हो या कुछ ऐसा हो तो आप लोग को कलरफुल चेकर्स ही यूज़ करने चाहिए, ये ईजी है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग सेम स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे असाइन करता हूँ ग्रे मटेरियल, एक ये कट कर दिया, ठीक है,
प्रिंट में गए, लाइक मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, सेम ऑप्शंस, एजिस पे चलते हैं। एक एजिस ले लिया मैंने यहाँ पे, परस्पेक्टिव एंड जेड, ठीक है। और देन मैं लूप कर सकता हूँ यहाँ पे, लूप एक यहाँ पे आ गया। सपोज शूज़ एंड बूट का एक साथ करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेग का आपको एक साथ करना है। मेरे पास जो नीड है और जो मेरी डिमांड है वो उसका समझना है। लाइक देखो मेरे चैनल पे चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पे किसी भी रेफरेंस को फुलफिल करने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमें अनलैपिंग कैसे करनी है, ठीक है। अनलैपिंग कैसे करना है, टेक्सिंग कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, चीज़ों को समझना पड़ेगा। कलर थीम क्या है, तो कलर थीम के अकॉर्डिंग भी हम लोग मॉडल को अनलैप करते हैं। लाइक क्लॉथ है तो क्लॉथ को अलग अनलैप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी कलर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एजिस ले लिया मैंने, एजिस देन लूप, ठीक है। दोनों लूप सेलेक्टेड है यहाँ पे। एज को किस में कन्वर्ट करते हैं, सी में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। एक पार्ट आपके सामने यहाँ पे भी है, लेकिन हमें फिर से कट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देन एक एजिस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, लूप, ठीक है। फ्रंट पे गए, ठीक है। फ्रंट पे जाने के बाद इसे डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ऑलमोस्ट डी सेलेक्ट, ठीक है। ठीक है, F3 और देन डिसलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हमारा हो गया। देन हम लोग अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एज सिलेक्शन टू सेम सेम प्रोसेस। एक पॉलीगन को सिलेक्ट करो, एक्सपेंड पॉलीगन सिलेक्शन टू सेम, ओपन यूवी टेक्स एडिटर। देन आपको एक सिंपल से बटन प्रेस करना है, क्विक पेल। 100 में से 95-99 तक आपके जो चीज़ें होंगे प्रॉपर सही होंगे, ठीक है। इवन 100 में से 100% भी सही होते हैं, लेकिन कभी कभी नीड होती है तो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर रोटेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा ये उल्टा है तो मैं इसे उल्टा रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लाइक ऐसा कुछ तो डे में अपडेट होता है। ठीक है, वापस मैं चलता हूँ सिंपल। अब जैसे यहाँ पर सेप्स इन सेप्स को मैं कैसे समझने वाला हूँ, ओके। सीम F3 F4, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एजेस को कट करना है, मैं यहाँ पे कहाँ पे ले, यहाँ पे मुझे कोई कट देना है तो मैं कट लूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कट कर सकते हैं या एक में जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं यहाँ पे। एजेस सेलेक्ट कर दिया, लूप कर दिया यहाँ पे F3, ठीक है। एजेस सेलेक्ट कर दिया, देन मैंने लूप कर दिया यहाँ पे, लूप, ठीक है। ठीक है, किया जा सकता है यहाँ पे। F3 यहाँ तक मेरे पास पार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक कट यहाँ पे लगेगा, हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं। एक नीचे की तरफ कट हो गया, ठीक है। हम लोग चाहें तो इसे ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, ये ऐसे भी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। बाद में चाहते हैं बाद में जोड़ भी सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कैजेस ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लाइक लूप, F फॉर फ्रंट एंड जेड, F3 क्रॉस चेक कर लेना, कोई और सेगमेंट सेलेक्ट तो नहीं है। तो सेक्टर एंड जेड, F3, ईजी रहेगा यहाँ पे। सेम पार्ट, लाइक पॉलीगन सेलेक्ट करो, एक पॉलीगन सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एक्सपेंड पॉलीगन सिलेक्शन टू सीम, पूरा पार्ट आ गया यहाँ पे। ओपन यू वी टेक्स्ट एडिटर एंड देन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्विक पील, ये लो भाई। बैक को सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक को सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। डन, अभी नहीं तो स्ट्रेट भी करना पड़ेगा। लाइक ऐसे नहीं कि हमने सारा काम ऐसे उठा के कर दें यहाँ पे। जैसे देखो इसके यहाँ पे चीज़ें हैं तो उनको मैनेज करना भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। वन प्रेस करते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास सेप्स हैं यहाँ पे, सारे पॉलीगन्स को, सॉरी सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अलाइन करने वाला हूँ, ठीक है। सिमेट्री में यूज़ करना है यहाँ पे। देन देखो ये ऐसा लाइन और देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आप सिंपल ऐसा अलाइन कर दो यहाँ पे ताकि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है।
एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक है, और देन ओके कुछ वर्टेक्स रह गया उसे आप हटा सकते हो, ठीक है, अलाइन कर दें यहाँ पे। अभी अलाइन करने मतलब लाइक ये मेरे पास अलाइन यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसके बाद मैं इसको भी रिलैक्स कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कुछ चीज़ आपको रिलैक्स करना हो तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, राइट क्लिक एंड रिलैक्स, ठीक है। एजेस एंड फेसेस दो पार्ट लाइक पॉलीगन्स होते हैं, हल्का सा रिलैक्स करते हो अपने आप मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको सिमेट्री करना, आपने हाफ बनाया और आपको हाफ मैनेज करना है तो चीज़ों को थोड़ा डील करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सेम हेयर सेलेक्ट कर दो, देन प्रॉपर मैनेज हो जाएगा आपको यहाँ पे। देन जब भी आप डुप्लीकेट करोगे तो डुप्लीकेट करते हो आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा कि यार सेफ कैसे है, ठीक है। मूव टूल, इनकी पोजीशन सेट कर लो आप यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेलेक्ट बाय एलिमेंट यूवी, ठीक है, अप एंड डाउन, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल अलग अलग पार्ट है। ओके देन मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट है, अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ सिंपल सा पार्ट, इस पार्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है। तो अगर मैं कोशिश करूँ खुलने की, खुलेगा, देखो नीचे से कट देने की नहीं रहना यहाँ पे, ठीक है, तो अगर नीचे से कट दें तो मेरा काम हो जाना चाहिए। एजेस पे चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कहाँ तक है। निकल से कट है यहाँ पे, है ना, तो क्रॉस चेक के लिए यहाँ पे कर दें यहाँ पे, ठीक है। पॉलीगन्स ओपन यूवी टेक्सचर एडिटर, और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को ध्यान देते हैं यहाँ पे। क्विक पील खुल गया यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन दे दो आप यहाँ पे, मूव के हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। एम प्रेस कर दें यहाँ पे और देन साइन चेकर्स आपके पास यहाँ पे विजुअल हो जाएगा। अच्छा ये पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेजर मेजर सारे पार्ट हो गए, हमारे पास हैंड का पार्ट रह गया। हैंड वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं डील करना है यहाँ पे। हैंड के ना, हैंड मॉडल के बाद आपका सीम बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर मैं हैंड मॉडल पे मैं काम करने वाला हूँ तो मेरा सीम बहुत बढ़िया हो तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एजेस, ओके, एंड लूप, लूप देखो प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ है कि नहीं, यहाँ से आता क्या, ठीक है, और ठीक है, आप कुछ को मैनेज करना है। फ्रंट पे गए, ठीक है, पहले तो यहाँ से आप पूरा डिसलेक्ट कर देना है यहाँ पे, चलो इसे कोई लेने देना नहीं है यहाँ तक, समझो मैं कैसे कैसे किस किस जगह पे कट करना है। मुझे सिर्फ इतने पार्ट की नहीं रहे तो मैं इतने पार्ट को मैं डिसलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से कट हो सकते हैं यहाँ पे, और F3 इतने की नीड नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि मैं किसको डिसलेक्ट करूँ, किसको सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, ताकि एक आइडिया मिल जाए आपको यहाँ पे। ठीक है, F3 एंड F4 और ठीक है, चीज़ को मैनेज किया जा सकते हैं यहाँ पे। ओके डी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, बस स्टार्टिंग में तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि यहाँ पे सीम्स आपके बेटर दिखे आपके यहाँ पे, ये सीम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर क्रॉस चेक यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखें आप दो लाइनें हैं, तो देन डी सेलेक्ट F3 डी सेलेक्ट,
ठीक है। तो ये मेरे पास सीम में आ जाएगा यहाँ पे प्रॉपर, देखो सीम पे एक बार क्रॉस चेक कर लो मेरे पास सीम कैसे है। सीम ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा फॉर्मेलिटी लेके यहाँ पर अगर मेरा काम कर जाता तो वेल एंड गुड है। पॉलीगन को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एक पॉलीगन ठीक है, देन क्विक पेल, चलो भाई उठा के साइड पर करते हैं यहाँ पे। ओके देन क्विक पेल, देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये काम नहीं कर रहा बहुत बेटर, बस ओके ठीक है। नहीं काम कर तो जरूरी नहीं हमेशा सही काम करेगा यहाँ पे, जैसे ये तो कोई भी हैंड पे सही काम नहीं कर रहा यहाँ पे, तो रिलैक्स का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, बाय पॉलीगन्स देन स्टार्ट रिलैक्स, तो रिलैक्स में काम करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। सेव देखो यहाँ पे, एक दूसरे पे ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे, जैसे इन जगह पे देखो ओवरलैप हो रहा है, इन चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। इसी के लिए मैं आपको एक और मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं मैनुअल डील करूँ तो मैनुअल भी डील कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पैलेट मैपिंग, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सेलेक्ट स्ट्रेचर, आउटर पार्ट को स्ट्रेचर कहते हैं, सेलेक्ट पैलेट यूवीज ठीक है, स्ट्रेचर को आप स्केल कर सकते हो इफ यू वांट यू कैन स्केल, सेलेक्ट स्ट्रेचर, सेलेक्ट पैलेट यूवीज ठीक है, स्टार्ट रिलैक्स या सिंपल अबाउट स्टार्ट पैलेट कर दो, प्रॉपर खुल जाएगा यहाँ पे ए टू जेड लगता है ठीक है। मैं इसे रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं इसे रिलैक्स कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है, ठीक है स्टार्ट पैल्ट मैं चाहता हूँ, या मैं नॉर्मली मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी रिलैक्स कर सकता हूँ यहाँ पर, लाइक जितना नीड है रोक दो यहाँ पे, नीड है वहाँ रोक दो ठीक है, बाई पॉलीगन बाई एजेस, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वहाँ के अकॉर्डिंग, लाइक वहाँ पे लगता है ना ज़्यादा नीड कर ज़्यादा नीड है आपको नैपिंग के लिए, तो इन चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। थोड़ा ट्विकिंग करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ट्विकिंग आप कर सकते हो, लाइक सपोज़ वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, आपको लगता है यार थोड़ा सा मुझे ट्विक करना है तो मैं यहाँ पे ट्विक कर सकता हूँ यहाँ पे, एलिमेंट का ऑप्शन ऑफ करता हूँ आप यहाँ पे, एक एक करके आपको लगता है लाइक मैनुअल डील करना है तो मैनुअल भी डील किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा कम लोग प्रेफर करते हैं मैनुअली ठीक है, वो सोचते हैं बस जल्दी से काम हो जाए, तो ऐसे भी कुछ किया जा सकता है यहाँ पे, राइट क्लिक एंड रिलैक्स ठीक है। तो ऐसे उन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर जो नीड है ओके। सेम ये प्रोसेस एक बार फिर से बताता हूँ यहाँ पे, जो बस दूसरा हैंड हैंड का जो दूसरा पार्ट ठीक है सेलेक्ट कर दिया मैंने पूरे पार्ट को, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पैलेट मैप कर दिया यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन को समझो यहाँ पे, सेलेक्ट स्ट्रेचर, स्ट्रेचर को स्केल करना चाहो यू कैन स्केल, सेलेक्ट पैल्ट यूवीज ठीक है, स्टार्ट पैल्ट सब कुछ ओपन कर देगा ए टू जेड ओके। इसके बाद आपका है स्टार्ट रिलैक्स ठीक है, कमिट कर दो आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड रिलैक्स, रिलैक्स आपके हाथ में है, बाई पॉलीगन्स करना चाहो बाई पॉलीगन्स कर लो आप यहाँ पे ठीक है। ठीक है सेम चीज़ लाइक यहाँ पे देखो कट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कई जगह ऐसा भी होता है कि मैं डिटेल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इतनी चीज़ों को कट कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना तो मैं मैनेज भी कर लेता हूँ, सपोज टू प्रेस कर दिया यहाँ पे टू एंड लूप कर दिया यहाँ पे लूप, इतना मुझे पेन नहीं लेना यहाँ पे ठीक है, राइट क्लिक एंड स्टिच सिलेक्टेड ऐसे भी जोड़ा जा सकता है यहाँ पे, इस टाइप से भी काम किया जा सकता है यहाँ पे, और देन रिलैक्स बाई पॉलीगन ऐसे भी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो सेप्स इन सेप्स को कैसे डील करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट ठीक है, राइट क्लिक एंड रिलैक्स, एजेस क्या करेंगे एजेस अपना सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे देखें अपने आप इसने अलग कर दें यहाँ पे ओके। मैनेज कर देगा आपको लेकिन यहाँ पे किस हिसाब से डील करना है तो आप इस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जो भी डिटेलिंग है फुल एंड फाइनल गाइस।
ठीक है। ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ और, लाइक जो यूवीज बड़ी होती है उनके चेकर्स बहुत छोटे आएंगे। जो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो, आप यहाँ पे एम्प्रेस कर दिया आपने, यहाँ पे सिंपल असाइन, बहुत देखो बहुत छोटे छोटे चेकर्स हैं। तो हमें करना क्या होगा, इसके साइज़ को स्केल करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने आल्फा स्केल, इनके अकॉर्डिंग स्केल करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ थोड़े से इसके अकॉर्डिंग मैच हो। नहीं तो किसी के यूवीज बड़े छोटे हो गए ना, तो ऐसी प्रॉब्लम फंस जाएगा उसके। एक जगह यूवी बड़े आएंगे, एक जगह यूवी छोटे आएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पूरे मॉडल को आप मैनेज कर सकते हो। प्रॉपर प्लेसमेंट दे दो आप यहाँ पे। इसी टाइप से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया। एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे लेआउट में, इस पूरे लेआउट के अंदर आपका पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सपोज को मैं आप फेस पाता हूँ, फेस मेरे पास अगर कहूँ राइट क्लिक करना एडॉल, ठीक है, ठीक है। हमें अब फेस अनरैप करना है। फेस अनरैप करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, हमें यहाँ पे सारे पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो आप। यहाँ पे सपोज मैंने इतने पॉलीगन को सिलेक्ट कर दिया, मेरे पास तो एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे F2, लाइक आपको यहाँ पे विजुअल होगा। यहाँ पे सीम को समझो, सीम कैसा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया प्लानर, लाइक मॉडल मैंने बिल्कुल यूवीज ख़राब कर दिया, यहाँ पे सीम कैसे बनेगा यहाँ पे, तो सीम के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एजिस पे चलते हैं यहाँ पे, एजिस, ठीक है। तो एजिस के लिए मैं मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, लाइक लूप एल फॉर लेफ्ट एंड जेड फॉर जूम, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे विजुअल हो जाएगा यहाँ पे। और एक टॉप से भी काम कर लेते हैं, पीछे का लूप भी लेते हैं, लाइक एक साथ हम लोग सारा काम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। टॉप एंड जेड सेंटर का एक एजिस, ठीक है, लूप कर दिया मैंने यहाँ पे, लेफ्ट F3 डिसलेक्ट, ठीक है। यहाँ से मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए कि जितना खुल जाए यहाँ पे, ठीक है। परस्पेक्टिव एंड जेड, मॉडल का फ्लो अच्छा हो, ठीक है, और प्रॉपर स्पेसिंग हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मुझे एक ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। पहले तो सीम हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। सीम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट एस सिलेक्शन टू सीम, सीम क्रिएट हो गया यहाँ पे। एक पॉलीगन सेलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है, देन कोशिश करो क्विक पील का, और आपका मॉडल अनरैप, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइलिंग चेक कर लें यहाँ पे, तो आपका मॉडल प्रॉपर अनरैप हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे अगर लगता है आपके आइज़ के अंदर कुछ पार्ट है जो दिक्कत करते हैं, आइज़ के अंदर आपने जो बहुत डिटेल दे रखा, तो उस वाले पार्ट को कट करके आप अलग निकाल सकते हो। सेम नोज़ के लिए भी ऐसा कुछ है, लिप्स के लिए भी कुछ ऐसा है कि आप चाहो तो ऐसे कुछ चीज़ों को कट करके अलग कर सकते हो। एक पूरा प्रोसेस है गाइस, लाइक जैसे ये मैंने मॉडल अनरैप कर रखा है आपको, मैं दिखा रहा हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। टॉप लेवल प्रॉपर मॉडल है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे लाइक सिमेट्री यूज़ कर सकते हो, एस वाई सिमेट्री, ठीक है। अनरैप, ठीक है, यूरल मैप, तो ये इस टाइप से आपको चीज़ को अरेंज करना है कि किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यूवीज हैं, इस टाइप से यूवी को आपको अरेंज कर देना है, फुल एंड फाइनल आपको चीज़ों को फुलफिल करना है। और लाइक मैं इन्वायरमेंट चेंज करके थोड़ा सा एक रेंडर आपको निकाल के देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो गाइस आपके सामने यहाँ पे रेंडर आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। आप किस किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, एक स्काईलाइट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड देन स्काईलाइट, ठीक है। स्काईलाइट यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे गो टू मॉडिफाई कास्ट शैडो देन रेंडर, थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया यहाँ पे। इंटेंसिटी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक 0.2 कर देता है यहाँ पे, बर्न डाउन, ओके, ठीक है गाइस। अगेन गाइस जस्ट
सूज हमारे पास रह गए, सूज के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सूज के अंदर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। चीज़ों को समझना यहाँ पे क्या है, ओके। जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा पार्ट एक सीम बनाना है मुझे यहाँ पे। गाइज जस्ट वेल डन, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एजेस है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट क्लिक लूप, लूप आ गया यहाँ पे। एफ फॉर फ्रंट, एफ थ्री, ठीक है, किया जा सकता है यहाँ पे। मुझे एक ही तरफ से ओपन करना, तो मैंने एक तरफ से यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ और करता हूँ, लाइक मुझे मेहनत करनी है, तो देन कुछ इस टाइप से भी काम किया जा सकता है यहाँ पे। आप एक लूप ऐसे भी ले लो, ठीक है। लूप कर दिया आपने, एफ फॉर फ्रंट, और डी सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, लाइक यहाँ से एफ थ्री, डी सेलेक्ट, लेफ्ट, जेट फॉर जूम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो सकते हैं जेट, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल क्विक पील करना है आपको यहाँ पे। तो इससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीम को मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। एक पॉलीगन सेलेक्ट करना आपको पता है, एक पॉलीगन सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, ठीक है। देन क्विक पील देखने की भी जरूरत नहीं है मुझे, सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे चीज़ अवेलेबल होगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखा है मैं उस जो सूज वाला पार्ट है, राइट क्लिक एंड रिलैक्स, बाई फेसिस ट्राई करना है यहाँ पे, बाई पॉलीगन, ठीक है। अब देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पे है, राइट क्लिक रिलैक्स और एजिस पे ट्राई करके देखो, यहाँ पे प्रॉपर अपने आप खुल जाएगा यहाँ पे, थोड़ा टाइम दो ऐसे। आराम से खुलेगा, और अगर लगता है ना कि यार कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और हमें थोड़ा जल्दी से काम करना है, तो एक कट और लगा देंगे, बाद में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे सपोज यहाँ पे है ना, एक कट लगा दें, सिंपल द पार्ट एजिस पे गए यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक लूप एफ थ्री, ठीक है, और जस्ट क्लिक लूप, ठीक है। राइट क्लिक एंड ब्रेक का ऑप्शन होता है आपके पास यहाँ पे, सेलेक्ट एलिमेंट, एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका अलग, ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड रिलैक्स, पॉलीगन्स, ये आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा यहाँ पे, जिस टाइप सब चीज़ को ओपन कर दोगे आप यहाँ पे। एलिमेंट लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने वन प्रेस करके, कुछ वर्टेक्स, देन रिलैक्स, ओके। कुछ ये छूट गई थी हमारे पास यहाँ पे, तो हम लोग रिलैक्स कर लेते हैं यहाँ पे, आराम से खुल जाएगा यहाँ पे। और देन बाय पॉलीगन्स, ठीक है। अब चाहो यहाँ पे जोड़ सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। टू प्रेस कर दो आप यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। देन यहाँ पे लूप एंड स्टिच सेलेक्टेड, ठीक है। अगर मैं करूँ लूप स्टिच सेलेक्टेड, अगर आप करना चाहें यहाँ पे जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चीज़ को जोड़ना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे, वन बाय वन करके जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ओके। देन इन चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स कर दो आप यहाँ पे, रिलैक्स, तो अपने आप खुल जाएगा आपको यहाँ पे, आपको मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते तो आप अलग भी हो, तो कोई तभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देन
टॉप लेवल, ठीक है, सिमेट्री में बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है डॉल, सेम चीज़ इसको मैं अलग से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, शिफ्ट एफ, सेफ फ्रेम, हल्का सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे और देन रेंडर कर देते हैं यहाँ पे।